अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएम सर्विसेज। एचएम सर्विसेज में खुश आमदी दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से, अगर आपके पास एक डिश एंटीना है और उसके ऊपर दो टेलीविजन या दो रिसीवर, किस तरीके से आप चलाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी मजीद इस तरह की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, एक डिश के ऊपर दो टेलीविजन या दो रिसीवर को चलाने का दो तरीके हैं। एक थोड़ा सा महंगा है और एक थोड़ा सा सस्ता है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपको इस तरीके से एक एलन भी लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर दो केबल लगी हुई होती है। इस तरीके से उसके ऊपर दो आउट हों, दो केबल, यहाँ से एक केबल एक रिसीवर में जाएगी, दूसरी केबल दूसरी रिसीवर में जाएगी, मतलब कि दो पिन वाली इस तरीके से आपको एलएनबी लेनी पड़ेगी। तो तब आप जाके इसके ऊपर दो रिसीवर चला सकते हैं। मतलब एक कमरे में अगर एक टीवी है तो उसके साथ एक रिसीवर की ये केबल चली जाएगी, अगर दूसरे कमरे में दूसरा टीवी है तो वहां पर दूसरे रिसीवर के साथ ये केबल जाके आप अटैच करेंगे, तो आप एक ही डिश एंटीना के ऊपर दोनों रिसीवर जो है वो ऑन कर सकते हैं। ये एक तरीका है, ये थोड़ा सा महंगा है। ये जो एलएनबी है तकरीबन 1400-1500 की आ जाती है। और एक और तरीका है जो कि थोड़ा सस्ता है और मुझे तो वो बेस्ट लगता है, उस वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो तरीका ये है कि आपके पास अगर एक डिश है तो उसके लिए आपके पास एक ये वाला आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये दो पिन वाला एक स्विच है। तो अगर आप इस तरीके से एक दो पिन वाला स्विच ले लेती हैं, एक ये देखें कि पिन एक है, एलएनबी की जो पिन है वो एक है, ये एक केबल आ रही है, ये केबल यहाँ से आके इसमें मैंने लगाई हुई है, इनमें एक केबल इनमें आ रही है और यहाँ से दो कनेक्शन निकल रहे हैं, मतलब दो रिसीवर की केबल्स यहाँ पे आ रही है। एक केबल एक रिसीवर में जा रही है जो कि एक कमरे में है और दूसरी केबल दूसरे रिसीवर में जा रही है जो कि किसी और कमरे में है। तो इस तरीके से आप जो है अपने रिसीवर को दो एक डिश के ऊपर दो रिसीवर चला सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता तरीका है। और ये जो आपको छोटा मैंने दो पिन वाला डेज स्विच दिखाया है, ये तकरीबन 150 या 250 के अंदर ही आ जाता है, 250-200 के अंदर ही आ जाता है। तो ये तरीका थोड़ा इजी भी है और अफोर्डेबल भी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक डिश के ऊपर किस तरीके से हम दो टेलीविजन या दो रिसीवर चलाएं, तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।